हेलो दोस्तों दोस्तों, अगर आपने अच्छा रिटर्न चाहिए तो आज ही स्टॉक मार्केट का अकाउंट खोल लो। अगर नहीं रिटर्न चाहिए तो अपना पैसा सेविंग अकाउंट में आप रख सकते हैं। तो अगर आपने मल्टीबैगर पैसा कमाना है तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो दोस्तों। अगर आपने अच्छा खासा पैसे को ग्रोथ करना है, अगर पैसे को ग्रोथ नहीं करना तो आप अपना पैसा सेविंग अकाउंट में रख सकते हो। अगर दोस्तों आपने पैसे की ग्रोथ चाहिए तो आज से ही स्टॉक मार्केट में अच्छी क्वालिटी स्टॉकों में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो। ये तो होगी दोस्तों इन्वेस्टमेंट की बात। उसके बाद आज हम एक स्टॉक का डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपको इन्वेस्टमेंट करने में बेनिफिट दे। दोस्तों ये जो कंपनी की शुरुआत हुई थी 1982 में कंपनी की शुरुआत हुई थी, जिसका बिजनेस है मोटरसाइकिल का, ऑटो का, प्लस बस का और ट्रैक्टर का। ये बिजनेस करती है, ये बनाती है, प्लस के स्पेयर पार्ट भी कंपनी बनाती है। जिसके ब्रांड है जैसे बुलेट इसका ब्रांड हो गया एंड रॉयल एनफील्ड इसका ब्रांड हो गया कंपनी का। जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है कंपनी का, 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जहां पर कंपनी अपना पूरा प्रोडक्ट बनाती है। जो कंपनी विस्तार देखिए दोस्तों, फिल्तमपुर में जिसका प्लांट है वहां पर कंपनी अपनी क्षमता बढ़ा रही है, वहां पर 90,000 किया करेगी। जो उसके बाद हम कोलमपुर में देखे कंपनी, यहां पर भी अपना क्षमता बढ़ा रही है, यहां पर 40,000 के भी वाहन प्रतिवर्ष बनाएगी। दोस्तों देखो कंपनी अपना विस्तार भी बढ़ा रही है। जो वही हम नेटवर्क की बात करें, कंपनी 1889 डीलर है कंपनी के पास, 1550 शहरों में इसका प्रोडक्ट बेचते हैं। प्लस जो बसेस सेटलमेंट में देखिए कंपनी, 308 डीलर है कंपनी के पास, 27 डिस्ट्रीब्यूटर हैं और 35 नई स्टोर भी कंपनी ने अपने साथ जोड़े हैं। दोस्तों नेटवर्क भी अच्छा है कंपनी का। जो हम इसके में बाजार में हिस्सेदारी देखें, जो हम इसको देखो इनकम जनरेट होती है, जो कंपनी को इनकम घरेलू से देखिए 91% की और अंतरराष्ट्रीय से देखिए 9% की कंपनी को इनकम जनरेट होती है। जो कंपनी का नाम देखिए आयसर मोटर लिमिटेड कंपनी का नाम है। ये तो इसके बिजनेस मॉडल की बात होगी। जो हम इसका मार्टी कैप की कंपनी का मार्टी कैप की बात करें, 10,08,377 करोड़ का कंपनी का मार्टी कैप है। जो स्टॉक पीओ की बात करें 30 की है। जो बुक वैल्यू की बात करें 582 कंपनी की बुक वैल्यू है। जो आरओसी देखिए 27 की चल रही है। जो आरओई की बात करें 21 की आरओई चल रही है। जो ये कंपनी डिविडेंड 0.95 की कंपनी डिविडेंड भी दे रही है। जो ये फेस वैल्यू की बात करें, एक कंपनी की फेस वैल्यू है। जो हम सेल ग्रोथ की बात करें, 10 साल में 8%, 5 साल में 10%, पहले 3 साल में 16% कंपनी की सेल में ग्रोथ हुई है। जो ये प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, 10 साल में 25%, 5 साल में 8% और 3 साल में 17% से कंपनी की प्रॉफिट में ग्रोथ हुई है। जो कंपनी का हम सीजीआर देखें, पहले 10 साल में 23%, 5 साल में 11% और 3 साल में 18% से कंपनी की सीजीआर बढ़ा है। जो कंपनी के पास पैसा बहुत अच्छा कर रखा है कंपनी ने दोस्तों, 15,904 करोड़ कंपनी के पास पैसा है, रिजर्व है। जो बोरिंग की बात करें, 416 करोड़ का मात्र कंपनी के पास बोरिंग है। जो वही क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें, जून और सितंबर का, जून में जो देखें हम 3,986 करोड़ की कंपनी को सेल हुई थी, वही सितंबर में देखें 4,115 करोड़ की कंपनी को सेल हुई है। जो नेट प्रॉफिट की बात करें, 918 करोड़ का हुआ था। जो अभी सितंबर में हुआ 1,016 का नेट प्रॉफिट कंपनी को। जो वही हम साल दर साल देखें, 2022 में 10,298 करोड़ की कंपनी को सेल हुई थी, वही 2023 में देखें 14,442 करोड़ की कंपनी को सेल हुई थी। जो वही हम नेट प्रॉफिट की बात करें, 1,677 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी को हुआ था। जो अब की बार हुआ है, 2,914 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी को हुआ है। देखो यहाँ पर जो तो देखे हम जो लंबा चलता है कंपनी के अंदर उच्च उसको अच्छा प्रॉफिट होता है। जो हम इसका नेट प्रॉफिट देखे, सेल ग्रोथ देखें, अच्छी बढ़ रही है कंपनी की। जो प्रमोटर की होल्डिंग देखिए 49.15, जो FL की होल्डिंग 28.89, जो DL की होल्डिंग 10.48, जो गवर्नमेंट की होल्डिंग 0.10, जो पब्लिक होल्डिंग 11.37। देखो यहाँ पर जो देखिए गवर्नमेंट ने भी होल्डिंग कर रखी है दोस्तों। और वही हम शेयर प्राइस की बात करें कंपनी के, 3,963 करोड़ का शेयर प्राइस, जो शेयर प्राइस की बात करें हम, 3,963 का शेयर प्राइस चला है। जिसने 1 साल का रिटर्न दिया 23%, जो 5 साल का रिटर्न दिया इस कंपनी ने 21% का 5 साल का रिटर्न दिया दोस्तों। दोस्तों ऐसी कंपनी में अगर आप ऐसे भी कर दोगे, लंबा चल जाओगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिलने के चांस रहेंगे। पर दोस्तों अगर आप ऐसे भी करके भी चल सकते हो, या वैसे भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 3 से 4% की इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक में आप लेके चल सकते हो। क्योंकि दोस्तों जो देखा जाए स्टॉक बहुत ही जबरदस्त है, आपको कभी धोखा नहीं देगा ये स्टॉक, क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल बहुत ही जबरदस्त है। जैसे जैसे ई व्हीकल आएंगे,
तो इस कंपनी का बिजनेस भी बढ़ेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं दोस्तों, तो बिजनेस मॉडल देख के 3 से 4% की इन्वेस्टमेंट लेके चल सकते हो। पर सबसे पहले आपने अपना रिसर्च कर लेना है, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करना। ये वीडियो हमारी एक एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना दोस्तों, जिससे हमारा एक मोटिवेशन बढ़ जाए।